बागवान भाइयों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये देखिए, ये हमारे पास एक, इसको हम अपनी भाषा में शिगल बोलते हैं, कैंथ जिसको बोलते हैं। तो इस पे आज हम नाशपाती की कलम करेंगे। देखिए, इस पे सैप का फ्लो हो गया है, अब हम इस पे ग्राफ्ट करेंगे। सबसे पहले तो जो इस सैप के फ्लो को आपने ऐसे काटना है, जहाँ पे आपको लग रहा है ये देखिए, इनको काटना है वहाँ तक जहाँ तक ग्राफ्ट करनी है आपने, और पीछे से काटना है, क्योंकि अगर हम छोड़ देते हैं तो फिर इसमें जो है फिर से वहीं से सैप का फ्लो बाहर हो जाएगा। इस तरह से ये हमारी एक हाइट मिल गई है हमें, तकरीबन 4-6 इंच में जो है आप ग्राफ्ट करें। यहाँ से हमने इसको काट देना है। तो अब हम इसको देखिए यहाँ से काटेंगे ऐसे। जैसे हमारा ये बेस बन जाए एक बार, फिर जो है यहाँ से एक कट मारेंगे। इस तरह से कट ऐसे मारना है कि ये इस साइड का जो हिस्सा इस ये ज़्यादा रहे ये कम, और यहाँ एक नोक जैसी बनती है इसको काट दें। अब हम इसके लिए ग्राफ्ट तैयार करेंगे। देखिए इसी के आकार का जो हम यहाँ से कट मारेंगे इसमें, और इस स्किन को इसके साथ मिलाएंगे ऐसे। ये होगी इसकी टंग ग्राफ्ट, सेम आकार का यहाँ पे जोड़ेंगे। ये देखिए, कोई एक सिरा पकड़ेंगे इसका, और ये देखिए हमारी पूरी जो स्किन है वो, हमारी पूरी जो स्किन है वो जो है यहाँ देखिए जुड़ गई है। ये देखिए, ये पूरी सेट हो गई है इसके साथ। ये देखिए स्किन जो है यहाँ जुड़ गई है, यहाँ और यहाँ। अब हम इसमें इसको रैप करेंगे। प्लास्टिक लेंगे, नीचे से जो है ऊपर को प्लास्टिक चढ़ाएंगे इस तरह से। प्लास्टिक चढ़ाते वक्त ध्यान रखें कहीं से भी हवा का जो अंदर जाने का जो रास्ता जो है हवा के लिए ना रखें, बिल्कुल एयर टाइट करें। आजकल जो है पीयर ग्राफ्टिंग का बड़ा अच्छा समय है। तो इस तरह से हमारे पास हवा तैयार हो गई है। कैथ के प्लांट को हमने से काटा, और इस पे जो हमने नाशपाती की कलम पीयर की ग्राफ्ट कर ली है। इसको यहाँ प्रोटेक्शन के लिए लगा देंगे ऐसे। धन्यवाद दोस्तों, जानकारी शेयर करें।